केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। जैसा कि आप सबको पता है कि नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची त्रिवेणीगंज, जहां पे उनकी मुलाकात हुई नगर परिषद त्रिवेणीगंज से वार्ड पार्षद प्रत्याशी समतोलिया देवी और उनके प्रतिनिधि संतोष कुमार साह से, जो वार्ड नंबर 19 से हैं। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर इनकी क्या क्या तैयारियां हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। और आपको बता दूं कि इनके चुनाव चिन्ह है फूल छाप और क्रमांक संख्या है 10। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में लग गए हैं, चुनाव चिन्ह लेके आ गए हैं। अभी हमारी पूरी टीम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में है और वार्ड नंबर 19 में। यहाँ के जो भावी पार्षद के प्रत्याशी हैं समतोलिया देवी जी, इनसे हमारी मुलाकात हुई। इनसे जानेंगे कि ये चुनावी मैदान में क्यों आई हैं, और हमारे दाएं साइड इनके पुत्र संतोष जी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी मम्मी चुनावी मैदान में क्यों आई है। क्या नाम है आपका? समतोलिया देवी। आइए अब संतोष जी से बात करते हैं। संतोष जी, आपकी मम्मी चुनावी मैदान में क्यों आई? सर, मैंने जो है लगभग 10 महीने से काफ़ी मेहनत किया है, उसके बाद जो है जितना भी पब्लिक है सबका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो भी है सबका मैंने कार्य किया है। यहाँ से लेके ब्लॉक तक में भी किसी आदमी को मैंने दौड़ने के लिए नहीं की कहा। आपने दौड़ने के लिए किसी को नहीं कहा, आप काम खुद किए? खुद किया, अपने दम पे मैंने किया। और अभी भी आप चुनावी मैदान में हैं जनता की सेवा के लिए जी। अब हम बात करते हैं अपने वार्ड नंबर 19 में समस्या क्या क्या है। समस्या तो सर बहुत काफी है। क्या बताएं? ऐसे कि जैसे सड़क का बहुत सारा समस्या है कि कहीं ना पानी, जहाँ मतलब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी का ज़्यादा जमा हो जाता है। कुछ एजुकेशन के में बहुत थोड़ा कमी है, इसके बावजूद भी नल जल जो योजना चलाए हैं नीतीश कुमार जी उसमें भी थोड़ा त्रुटि है लेकिन उतना नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर आप चुनाव जीत के आइएगा, यहाँ की जनता आपको अपना पार्षद बनाएगी जी, तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? 5 ऐसे काम बताएं जो उनको समर्पित होगा। सर, हम सब दिन से, जब से मुझे कंप्यूटर का नॉलेज हुआ है तब से मैंने ब्लॉक में जुड़ा हूँ। ब्लॉक से जितना भी काम होता है खुद वह, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उसके बाद आवास, उसके बाद जो है शौचालय और बहुत सारे ऐसा भिन्न भिन्न काम है, उसके लिए मैंने किया है। और जनता से भी इसके लिए, जनता से भी समझ सकते हैं और जनता के लिए मैं भी आगे काम करूंगा और करते आ रहा हूं। इसीलिए मेरा इतना रुझान है कि मैं इसके लिए इतना तैयारी कर रहा हूं, इसके लिए आगे जनता जनार्दन जो करे। आपने देखा जो हमारे समतोलिया देवी के पुत्र हैं संतोष जी, इनका कहना है कि ये ब्लॉक लेवल का जितना भी काम है, मतलब सरकार की तरफ से जो भी योजनाएँ आती हैं वो उसको धरातल पर उतारेंगे। पहले भी ये पिछले 1 साल से लगातार समाज में जुड़ के समाज के कई लोगों का वृद्धा पेंशन बनवाया है, विकलांग पेंशन दिया है, विधवा पेंशन दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ लोगों को आवास योजना भी दिलवाया है इन्होंने। और अब इस बार फिर से चुनावी मैदान में आए हैं सिर्फ समाज का सेवा करने के लिए। क्या जब आप जीत के आएंगे क्या घुसखोरी होगी? सर देखिए, वैसे तो बहुत चल रही है, तो हम तो एक छोटे प्रतिनिधि के तौर पे होंगे और इतने बड़ा बड़ा सब जो आदमी है, जब ऊपर ही ऐसे होगा करनामा तो नीचे हम तो सर अपना जो कर्तव्य होगा वो तो कराएंगे, करते आ रहे हैं। घुसखोरी नहीं होगी जी? घुसखोरी हमारे जैसे अभी इससे पहले जैसे किसानी के वैसी चल रहा था, विधवा के वैसी चल रहा था, विकलांग के वैसी चल रहा था, इसके लिए मैंने खुद अपना CSC सेंटर खोले हुए, खुद आदमी के घर घर जाके और कुछ उसमें जो खर्च होता है 5, 10, 20 इसके क्वांटिटी के हिसाब से, उसमें जो सर हम 2-3 जन थे और पूरा अपना 9-10 नहीं पूरे पंचायत का बात कर रहे हैं, सारा जगह जाके मैंने काम किया है और अपना वार्ड में सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड भी बनवाया हूँ और पूरा पंचायत का मैंने काम करवाया हूँ जी। बहुत अच्छी सोच लेके और बहुत अच्छा आप काम कर भी रहे हैं, किए भी हैं। लास्ट सवाल, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही सर संदेश देना चाहते हैं कि अच्छा आदमी चुने और आगे बढ़ने के लिए अच्छे आदमी को आगे की ओर ले जाए। बहुत अच्छी बात, बाकी देखते हैं जनता जनता कितना इनको समर्थन करती है, जनता इनको कितना वोट देती है।
आपके प्रत्याशी का नाम क्या है? मेरे प्रत्याशी का नाम मम्मी जी है और संतोलिया देवी जी, नाम मेरी मम्मी जी है लेकिन और उनका नाम है संतोलिया देवी, मैं उनका पुत्र हूँ संतोष कुमार शाह। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है पुल छाप, क्रमांक संख्या 10 है। 10 है जी। देखते हैं, जनता मालिक है, जनता भगवान है। फिलहाल बने रहे लाल चटन के साथ। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।